करा आपको बदलना है। यहां पर बताती है बाइबल यूदा इस्करियोती करा नया आया लिखा, इस वचन से बता रहा हूं कि उसके सदृश ना बनो, कहता है उसके नए हो जाने से, कहता है नए तो हो गए हो आप, ये चेला तो बन गया है यीशु मसीह का, पढ़ा लिखा लड़का है। यूदा इस्करियोती से ज्यादा पढ़ा चेला कोई नहीं था 12 चेलों में से, और ये सबसे पढ़ा लिखा था। और जब ये पढ़ लिख कर ये किसके पास जाता है, ये पढ़ने लिखने के बाद यीशु मसीह के पास ट्रेनिंग करने जाता है, वर्ल्ड का सबसे मानना हुआ टीचर उसके पास ट्यूशन रखता है। इसका मतलब इसके बाप के पास पैसे ज्यादा होंगे, है ना, सबके पास नहीं, कहता है यीशु के पास जाता है और उसके पास रहकर क्या कर रहा है, कह रहा है कि नया बन गया है, अरे बपतिस्मा तो ले लिया है, प्रभु के पीछे तो चल पड़ा है, प्रेयर भी करता है, अरे बाइबल भी पढ़ता है, लेकिन चाल चलन तो वही है, फूट डालता है चेलों में आपस में, झगड़ा कराता है, ईर्ष्या कराता है, लड़ाइयां कराता है, एक दूसरे को बदनाम करता है, और मौका लगे तो थैली में से पैसे भी निकाल लेता है, चोरी भी कर लेता है और अपने दोस्तों को खिलाता है, चलो आओ गोलगप्पे खाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात, मैं बता रहा हूं आज छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, अपने बाप के अपनी मम्मी के पैसे चुरा कर शाम को अपनी कैंटीन में क्या करते हैं, बच्चों को हाफ रिसेस में आइसक्रीम खिलाते हैं, पकौड़े खिलाते हैं, यूदा इस्करियोती की तरह काम करते हैं। लेकिन चाल चरण को बदलना पड़ता है, बच्चा है चाहे बड़ा है, चाल चरण को बदलना पड़ेगा। अगर कोई पाप आपकी जिंदगियों में रुकावट बना हुआ है, आपकी बीमारी में रुकावट बना हुआ है, आपकी आशीषों में रुकावट बना हुआ है, मैं क्या कह रहा हूं, उस पाप को जब तक आप छोड़ेंगे नहीं तब तक पवित्र आत्मा स्टैंडर्ड को बाहर नहीं लेकर आएगा। मैं क्या कह रहा हूं, अगर आप झोपड़ी में रहते हो, कल बंगले में रहने वाले हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन, बाहर आने वाले हो, कभी भी एक प्रार्थना करने वाले का लेवल कभी नीचे नहीं रहता, हमेशा ऊपर जाता है। यहां पर बता रहा है बाइबल, कह रहा है कि याकूब क्या था, याकूब एक धोखेबाज था, लेकिन उसने अपनी लाइफ में क्या किया, उसने अपने भाई को धोखा जरूर दिया, लेकिन बाद में उसने अपना माइंड चेंज कर लिया, यार मैं अब नहीं। आज भी बहुत सारे लोग कह रहा है बूढ़े हो गए हैं, कहता मरने वाले हैं, लेकिन पाप को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि अगर आप आज बदलने वाले हैं, पाप को छोड़ने वाले हैं, तौबा करने वाले हैं, आज ही आपको जिंदगी देने आ रहा है मेरा यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आज ही वो आशीषें देखने वाले हो। याकूब ने अपने मन को चेंज किया, याकूब ने प्रार्थनाएं किया और अपने मन को चेंज किया। लेकिन बहुत बार हम मन तो चेंज करते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है कि जब तक काम नहीं करता, जब तक हम चाल चलन में सही पाए नहीं जाते। बोलो हालेलुया। बाइबल बताती लूका की किताब में कि एक औरत थी, उसके पास 10 सिक्के थे। कितने सिक्के थे? 10। आपकी जेब में कितने पैसे हैं? पादरी साहब हम आपको नहीं बताएंगे। उस औरत के पास 10 सिक्के थे उसकी तिजोरी में, मेरी बात समझ रहे हो, 10 कॉइन थे उसके पास। और जब किसी का एक कॉइन भी गुम हो जाता है, अगर किसी के 1,00,000 में से 10,000 गुम हो जाए, टेंशन हो जाएगी कि नहीं भाई साहब? हाँ या ना? Yes. टेंशन हो जाती है कि नहीं? अरे यहां पर इसका माइंड करे चेंज नहीं हो रहा, कहते पैसे इसके 10 सिक्कों में से एक सिक्का गिर गया, और ये औरत क्या कर रही है, अपने पति को बोल रही है, अपने पड़ोसियों को बोल रही है, हाय मेरा सिक्का गिर गया, मेरा एक, कहते कितने का सिक्का है, अरे गोल्ड का सिक्का है, अरे डायमंड का सिक्का है, अरे चांदी का सिक्का है, अरे तांबे का सिक्का है, करे नहीं नहीं, अरे कौन सा सिक्का है, करे अरे एक का सिक्का है, करे हाँ हाँ, करे सिक्का है सिक्का है। अरे माइंड नहीं बदल रही है, छोड़ नहीं रही है, उस सिक्के को ढूंढ रही है। आज भी हम संसार के लोग क्या करते हैं, हमारा कुछ खो जाता है, हम ढूंढते हैं, अरे कहां गिर गई हमारी चीज, अंगूठी कहां गिर गई, अरे हमारा बच्चा कहां चला गया, खोए हुए हैं संसार में हम, हमारी दुकान के लिए भागे फिर रहे हैं, भागे फिर रहे हैं, भागे फिर रहे हैं, हमारा मकान हमारे चाचे ने ले लिया, ताऊ ने ले लिया, हम लड़ते फिर रहे हैं, एक एक चीज के पीछे हम पड़े हुए हैं, खोए हुए हैं, संसार की चीजों में खोए हुए हैं। लेकिन मैं क्या बता रहा हूं कि अगर आपका सब कुछ खो गया है और आप उस खोए हुए को ढूंढने की बजाय यीशु के कलाम को ढूंढ रहे हैं, यीशु के प्रेम को ढूंढ रहे हैं, यीशु की दया को ढूंढ रहे हैं, आज सारा खोया हुआ वापिस आने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। अरे खो गया होगा, लेकिन ये औरत क्या कर रही थी, 10 सिक्के में से एक सिक्का खो गया, और लोग बोल रहे, कहते कैसी बेवकूफ औरत है, अरे क्या बेवकूफ हो रहा था तू, कह रहे 10 सिक्के में से, कहते एक रुपए का सिक्का ही तो खो गया, अरे 9 तो तेरे पास है ना, अरे कोई बात नहीं और ले लेंगे, चल चल कोई बात नहीं। लेकिन औरत कहती ना ना, मुझे तो वही सिक्का चाहिए, वही एक के सिक्के में ऐसा क्या है। मेरी बात सुनो, अगर एक का सिक्का किसी का नाली में गिर जाए, उठाओगे कोई? हाँ जी, कोई उठाएगा? कोई पहलवान है यहां पर, कोई उठाएगा? कोई एक का सिक्का नाली में गिरे उठाएगा कोई? अरे आजकल स्टैंडर्ड है भाई साहब, कोई नहीं उठाएगा।
अगर 2000 का नोट गिर जाए उठाओगे? हैं? Yes. सोचना पड़ेगा भाई साहब, इधर उधर देखना पड़ेगा भाई साहब. कोई देखता नहीं रहा? हाथ भी साफ कर लेंगे, नहीं रुमाल नया खरीद लेंगे यार, 10 रुपए का सारा है, उठाएंगे कि नहीं? लेकिन एक का सिक्का गिर जाए, नहीं उठाएंगे. लेकिन ये औरत कह रही, नहीं नहीं, मैं चाहे नाली में गिर जाए, चाहे टॉयलेट में गिर जाए, चाहे ये झाड़ी में गिर जाए, चाहे संदूक के नीचे गिर जाए, झाड़ू उठा रही है और घर में झाड़ू लगा रही है. अरे ढूंढ रही है ऐसा क्या है सिक्के में भाई साहब, ढूंढ रही है, उसके पीछे पड़ी हुई है, कहती मुझे तो यही सिक्का चाहिए. और उसी समय क्या हुआ कि जब लोगों ने पूछा, और उसी समय क्या हो गया, थोड़ी देर के बाद जब उसको सिक्का मिल गया और अपनी सहेलियों को बुला रही है और आनंद कर रही है, खुशी मना रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, कह रहे सिक्का मिल गया है, डम 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 डम, हालेलुया हालेलुया. और लोग नाच रहे और गा रहे, लेकिन परेशान है, कहते यार एक का सिक्का मिल गया, पता नहीं क्या हो गया. एक का सिक्का मिल गया है, पर हो गया गया एक का सिक्का. अगर आपका मिल जाए, आप डांस करेंगे? आप भंगड़ा डालेंगे? आप बुलाएंगे किसी को, साउंड वाले को बुलाएंगे, डीजे लगवाएंगे? उस औरत ने किया है, हाँ किया है उसने. अरे एक के सिक्के के पीछे इतना बैंड बाजा क्यों भाई साहब, 10,000 रुपए खराब कर दिए, ऐसा क्या है एक के सिक्के में? अरे क्योंकि बाइबल बोलती है 10 सिक्के कौन से है, वो 10 सिक्के करे के वो करे, एक सिक्का कौन सा था, वो जो सिक्का घुमा था वो संगति का सिक्का था, संगति का, चर्च की संगति का सिक्का था. हालेलुया हालेलुया. जो आप ढूंढते हुए यहां तक पहुंचे कि ये संगति कहां लगेगी, अरे कहां मिलेगा प्रॉफिट बजिंदर, कहां पर होगी यीशु मसीह की संगति. आज मेरे लोग विश्वासी लोग ढूंढते आए, पता नहीं कहां कहां हम बदलते आए संगति, और कहां पर आकर यहां पर संगति लगाई है. इस औरत के भी था, उन्होंने कहा अरे ये पहले वाला सिक्का तेरे पास है, 2 है 3 है 9 सिक्के हैं. बोलती है होंगे 9 सिक्के, करी 10वां सिक्का इज मोस्ट इंपोर्टेंट. कहते क्यों? कहते पहला सिक्का विश्वास का, दया का, नम्रता का, संयम का, धीरज का, दशवांश का, दान का. कहता सब सिक्के मेरे पास, प्रार्थना का सिक्का भी मेरे पास है, कहता वॉच करने का भी सिक्का मेरे पास है, लेकिन संगति वाला सिक्का मेरे पास नहीं है. कैरी मेरी संगति छूट गई है, कैरी मेरे संगति वाला सिक्का मुझे नहीं मिल रहा है, और परेशान हो रही है. उन्हें बोला अरे संगति नहीं है, कोई बात नहीं, अरे दया का सिक्का तो है, विश्वास का सिक्का तो है. कैरी चुप कर, अरे इसी संगति ने तो सिखाया मुझे कि लोगों पे दया भी करनी है, अरे इसी संगति ने तो सिखाया मुझे कि दान भी देना है, अरे यीशु की संगति ने तो सिखाया है दान भी देना है, अरे यीशु की संगति ने तो सिखाया है कि संडे चर्च भी आना है, विश्वास करना है. कह रही अगर मैं ये संगति नहीं करूंगी, मेरा विश्वास भी जाता रहेगा, मैं दान देने का मन भी जाता रहेगा, दशवांश देने का मन भी जाता रहेगा. कह रही इसलिए बेचैन हो गई है ये औरत, ये खास बात थी इसके अंदर. मैं बता रहा हूं कि ये 10वां सिक्का ये यीशु मसीह की संगति का सिक्का था. तारीफ करो, आज लेकर जाना यहां से, आज लेकर जाओगे कि नहीं? यीशु बोलता है मैं खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया हूं. कह रहा जो संसार में खोए हुए हैं, कह रहा संसार की बातों में खोए हुए हैं, कि अगर मैं दान डालूंगा, अगर मैं दशमांश दूंगा, अरे मेरा क्या होगा, अरे घन चक्कर कहीं के तेरा कुछ नहीं होगा, यीशु तेरा सब कुछ पूरा करेगा. हालेलुया हालेलुया. विश्वास कर, यहीं से सीखा जाता है, यहीं से यही संगति आपके बच्चों को टॉप कराने वाली है इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में. आमीन. यही संगति आपको नंबर वन कराने वाली है, यही संगति आपके ऊपर दया कराने वाली है यीशु मसीह की. यहीं से मिलती है दया, यहीं से मिलती है चंगाई. कह रहा है संयम, कहता हर चीज पवित्र आत्मा बोलता है, क्योंकि लोगों को परमेश्वर देख रहा है और वो बोल रहा है. कहता कि आज इस बात को समझना, कहता भले आपका 2000 का सिक्का नाली में गिर जाए, लेकिन एक का सिक्का कोई नहीं उठाता, अगर कोई उठाए ना उठाए, लेकिन याद रखना कि एक शराबी नाली में पड़ा है, उसको कोई नहीं उठाता, कहता है चल शराबी है ये, लेकिन याद रखना पवित्र आत्मा बोलता है, कह रहा आपके लिए वो कीमती नहीं है, वो आत्मा जो शराब पी रही है. कहता नहीं नहीं, इसको सुसमाचार सुनाने की जरूरत नहीं है, ये इसको गाली है तो गालियां देता है, गंदा आदमी है, इसने हमारे पैसे खा लिए थे. लेकिन परमेश्वर कह रहा है मेरे लिए तो एक आत्मा भी कीमती है, मैं तो उसको भी बचाने के लिए धरती पर आऊंगा यीशु मसीह के नाम में. याद रखना आपके पड़ोस में, आपके परिवार में, आपके घर में अगर कोई भी है, अगर कोई ऐसा विश्वासी कोई मनुष्य है, कह रहा जो खोया हुआ है संसार में, कहता है यीशु मसीह के बारे में जब आप बताते हो, उसको जिंदगी मिलने वाली आज रात यीशु मसीह के नाम
और आपके ऊपर वो लाइट आने वाली याद रहती यीशु मसीह के नाम में, आपका स्टैंडर्ड ऊंचा होने वाला है, उन लोगों का स्टैंडर्ड ऊंचा होने वाला है। लेकिन क्या करी बाइबल कह रहा है चाल चलन, उसके आगे क्या लिखा देखो, कह रहे परमेश्वर क्या करता है, कह रहा जब आप चाल चलन बदलते हैं फिर क्या करता है, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावनी और सिद्ध इच्छा से, इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया, हालेलुया। जब आप अपना चाल चलन बदलते हैं, किसका बदलना है, अपने पड़ोसी बोले को अपना चाल चलन बदल, नहीं नहीं आप अपने नहीं बदल रहे, दूसरों को क्या बदलेंगे, हाथ मिलाओ उसे और उसको बोला अपना चाल चलन बदल। जब आप अपना चाल चलन बदलते हैं तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है जिससे, कहता है परमेश्वर की भली इच्छा को जान सकोगे। आप सोचते हैं कि प्रोफेट मेरा फ्यूचर क्या है, मेरे फ्यूचर के बारे में बता दे, परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर मेरे आज के दिन की इच्छा क्या है आपकी मेरे जीवन से, मैं क्या बिजनेस करूं, मैं क्या काम करूं। पवित्र आत्मा कह रहा है जिनका चाल चलन सही हो जाएगा, कहता है रात को मैं उनको, हर रात हर सुबह उनको बताने के लिए आया करूंगा कि बेटे मेरी इच्छा क्या है आज। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा है कि वो लोग अपनी जिंदगी में परमेश्वर से बातें करते हैं, वो लोग हमेशा सही डिसीजन लेते हैं, जो लोग परमेश्वर की संगति की खोज करते हैं, जो लोग अपना चाल चलन बदलते हैं, जो लोग चाल चलन नहीं बदलते वो लोग आज भी दुष्ट आत्माएं 12 साल चकड़े हुए हैं, आज भी बांझपन है, आज भी प्रॉब्लम्स है। किन की बात कर रहा हूं, विश्वासियों की बात कर रहा हूं, मैं अन्य जातियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं विश्वासियों की बात कर रहा हूं। कौन विश्वासी जो चर्च में जाते हैं उनकी बात कर रहा हूं, आज भी 12 साल 15 साल 16 साल ये यूदा इस्करियोती यही नाटक था इसका, कोई पश्चाताप नहीं था इसकी जिंदगी में, कोई मन फिराव नहीं था, कोई प्रार्थना नहीं किया इसने। इसलिए उसी समय क्या बोलता है, कह रहा है यूहन्ना क्या बोलता है, सांप के बच्चों मन फिराओ, कहता है मन फिराओ, कहता मन फिराओ, कहता कि आपको अपनी जिंदगी में, कहता कि बदलाव लेकर आना है, कहता अपने माइंड को चेंज करना है। लेकिन शैतान हमेशा मिसाइल करता आपके दिमाग के ऊपर, रोज बोलता है नहीं नहीं मेरे को कोई प्यार नहीं करता, ना ना मैनू ना कोई प्यार नहीं करता, घर विच भी कोई प्यार नहीं करता, मेरे नाल कोई चंगी गल नहीं करता। एक औरत ऐसी बोल रही करी, पास्टर जी मेरे को कोई प्यार नहीं करता, और उसकी पति मुझे बता रहा था, कहता ये सारा दिन इसका मिसबिहेव है, ये ऐसे बोलती है, बच्चों को भी डांटती है, मुझे भी डांटती है, कोई आया था उसको भी डांटती है, मिसबिहेव है इसका। कहते अच्छा मिसबिहेव अच्छा नहीं है इसका, कहते मिसाइल, शैतान मिसाइल डालता रोज लोगों के ऊपर। और वो औरत जब मुझे शिकायत लगा रही थी, बोल रही थी पास्टर जी मुझे कोई प्यार नहीं करता, इसलिए मुझे गुस्सा आता है इनके ऊपर, कहती मैं इनसे कोई ढंग से बात नहीं करता, ये मेरे से अच्छी बात नहीं करते, मैं भी इनके साथ ऐसी बात करती हूं। मैंने कहा चुप कर, माइंड चेंज कर, वो नहीं करते लेकिन तू कर आज से चेंज। हालेलुया, तू कर अच्छी बातें, तू कर प्यार सबसे, तू कर। कहता जब तक आप किसी को रिस्पेक्ट नहीं देते सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। बोलो हालेलुया। अगर आप किसी को रिस्पेक्ट देना जानते हो, मैं क्या कह रहा हूं, आज ही पवित्र आत्मा का मन बदलने वाला आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अगर आप सुधरना जानते हो तो परमेश्वर आपको सुधारना भी जानता है। बोला हालेलुया, हालेलुया। अगर आप बदलना नहीं चाहते तो परमेश्वर आपके लिए घर में रखे हुए टमाटर को भी नहीं बदलेगा। याद रखना सड़ा हुआ टमाटर रहेगा 3 दिन, हरी मिर्च 3 दिन। आप चले जाओ, अभी मैं बहुत सारे लोगों की फ्रिज में देख रहा हूं, किसी की मैं पलड़ी में देख रहा हूं, मिर्च सूख गई है अभी तक, वही पड़ी है, ना टमाटर में काम आई ना सब्जी में काम आई, मैं आत्मा में देख रहा हूं। और बहुत सारे लोगों को मैं हाथ खड़ा कराऊं झूठ बोलेंगे, लेकिन मैं फोन कराऊंगा और वीडियो कॉलिंग कराऊंगा, अभी पकड़े जाएंगे वो लोग। हालेलुया, आपके घर में रखी अभी भी मैं देख रहा हूं वो हरी मिर्च, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आज सब कुछ बदलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज आशीष से आने वाली है चर्च, आपके आमीन बोलते ही बदल जाओ, हालेलुया बोलते ही। आमीन। आप तैयार है कि नहीं? यस। कितने लोग तैयार हैं आज? अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर का धन्यवाद करो। बोला हालेलुया। प्रेरितों के काम देखते हैं उसका 10वां अध्याय क्या लिखा, कह रहा बहुत सारे लोग नहीं जानते लेकिन परमेश्वर एक बात बताता है, योशु के साथ भी यही हुआ, कहता है कि उसने अपने आप को बदलने के लिए, कहता है कहां गया वो, बाइबल के अंदर गया, परमेश्वर खुद आया और उसको कहा, कहता है अगर तू इस पुस्तक में, कहता है दिन रात ध्यान लगाए, कहता है और तू खुद इसको पढ़े, कहता है जिन कामों पर हाथ लगाएगा आज से सफल हो जाया करेगा यीशु मसीह के नाम में। उसकी सफलता का राज यह था कि वो खुद बाइबल पढ़ता था, प्रार्थनाएं करता था, और उसके प्रार्थना करने के बाद योशु के क्या हुआ, सबसे सफल लीडर हुआ योशु। आज बहुत सारे लोग प्रार्थनाएं करवाते हैं करते नहीं है,
बाइबल पढ़वाते हैं पढ़ते नहीं है, लेकिन यहोशू के अंदर ये खास बात थी और यहोशू के अंदर एक अनॉइंटिंग आई। याद रखना जो लोग प्रार्थना करते हैं, अगर परमेश्वर आपको उत्तर ना दे, लेकिन याद रखना अगर एक साल उत्तर नहीं मिला, दो साल उत्तर नहीं मिला, तीन साल उत्तर नहीं मिला, समझ जाना कि आपके ऊपर एक बहुत बड़ा मस्सा उतर गया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और उसी समय तीन साल यहोशू से जब बात नहीं किया, मैं बता रहा हूं कोई आंसर नहीं मिला। यहोशू ने युद्ध के अंदर जब लड़ाई लड़ने के लिए गया, उसने एक ही बात कहा, उसने कहा परमेश्वर कहता कि आज कहता जब तक मैं अपने शत्रुओं को ना मार लूं, कहता तब तक करा ये चांद कहता कि करे छिपना नहीं चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं, कि सूरज छिपना नहीं चाहिए, मेरी बात को समझ रहे हैं। उसने कहा चांद भी वही ठहरा रहा और सूरज भी वही ठहरा रहा है, और बाइबल बोलती है 24 घंटे और 20 मिनट कहता कि कागजों में इतिहास में ये चैप्टर नहीं है, बोलो हालेलुया, ये टाइम नहीं है। उसने कहा सूरज थमा रहा है, और इतनी अनॉइंटिंग आई उसके ऊपर और सूरज भी उसकी बातें मान रहा था। याद रखना अगर कोई प्रॉब्लम्स आपके पीछा कर रही है, अगर आपका चाल चलन सही है, आज रात हाथ कर देना उस प्रॉब्लम्स की तरफ, वही ठहरने वाली है प्रॉब्लम्स, वही समस्याएं रुकने वाली है यीशु मसीह के नाम में। हर कर्जे रुक जाएंगे आज से आपके हाथ उठाते ही, आपके मुंह से बोलते ही। क्यों? क्योंकि आप प्रार्थना करने वाले हैं, क्यों? आप बाइबल पढ़ने वाले हैं, आपका एक्सपीरियंस खुद का एक्सपीरियंस है, और परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में वो काम करने वाला है जो किसी की जिंदगी नहीं हुआ। मैं क्या कह रहा हूं, यीशु सबसे सफल लीडर हुआ, आप सबसे सफल बिजनेसमैन बनेंगे आज रात यीशु मसीह के नाम में, बोलो हालेलुया। आप तैयार है कि नहीं? अपने हाथों को उठाओ और कहो कि मैं गिरगिट नहीं हूं। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो गिरगिट की तरह रंग मत बदल। क्रिकेट कितने बार रंग बदलती है, ऐसे ही विश्वासी जीवन है। हर बार बोलते हैं पापा मैं हूं शराब नहीं पीवांगा, पापा मैं हूं गाली नहीं देवांगा, पापा मैं हूं यीशु मसीह जी मैं झूठ नहीं बोलांगा, मैं फिर थोड़ा सा फोन आ जाता है झूठ बोलते हैं। कितनी बार हम क्रिकेट 7 बार रंग बदलती है, लेकिन मसीह लोग भी रंग बदलते हैं कि नहीं? हाँ या ना? रोज बदलते हैं। आज मैं चंड मारी जनानी नु आज नहीं कुटांगा, आज के बाद नहीं करांगा, अगले हफ्ते फिर वही कहानी, दे तेरे की। लेकिन परमेश्वर क्या कर रहा है, आज रात मैं तुम्हें बदलने वाला हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। आज रात आपका स्टैंडर्ड ऊंचा होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा आपसे बातें करने वाला है, अपने हाथों को उठाओ और तारीफ करो परमेश्वर की, बोलो हालेलुया। कह रहे बहुत सारे लोग नहीं जानते, कह रहे परमेश्वर के कामों में और इंसान के कामों में फर्क है, लेकिन नहीं जानते। कहते बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, दान देना पता नहीं जरूरी है या नहीं है, लेकिन यहां पर बाइबल क्या बोलती है प्रेरितों के काम में, पढ़ो कोई 10:1 पढ़ो, देखो क्या लिखा। केसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था, इतालियन नामक पलटन का सूबेदार था। वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं, और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमोन को जो पत्रस कहलाता है बुलवा ले। वो शमोन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है जिसका घर समुद्र के किनारे है। जब वो स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी चला गया और उसने 2 सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया और उन्हें सब बातें बताकर याफा को भेजा। हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ और तारीफ करो परमेश्वर की, बोलो हालेलुया, हालेलुया। कौन है ये? यीशु है। यहाँ पर देखो कुरनेलियुस के बारे में जब हम पढ़ते हैं, ये सोच रहा था कि शायद परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर शायद मेरे अंदर एक पक्षपात है कि शायद परमेश्वर मेरे दान को नहीं देखता। यहां पर लिखा, ध्यान से सुनो मित्र, देखो यहां पर लिखा कह रहे कि ये टाइम पर प्रार्थनाएं करता था और टाइम पर ही ये क्या काम करता था, प्रार्थनाएं करता, विनतियां करता, दान भी देता, बड़े काम करता। एक दिन इसके अंदर ख्याल आया कि शायद परमेश्वर
मेरे दान को नहीं देख रहा है, मेरी बातों को नहीं सुन रहा है, लेकिन यहाँ पर लिखा कुरनेलियुस, कहता इटालियन था, कहां का था ये, इटालियन था, कहता लेकिन फिर भी इसके दान की ओर, कहता है इसके प्रार्थना की ओर, इसके विश्वास की ओर परमेश्वर देखता था। बोलो हालेलुया, हालेलुया। कहता है यहां पर किस मैक्से से परमेश्वर ने उसको बताया, कह रहा है कि मैंने, कहता है तेरे दान को स्मरण कर लिया है, उसके पास भेजा। बोलता है, कह रहा है कि परमेश्वर, कहता देखता है, जब आप बाइबल पढ़ते हो तब देखता है, कह रहा है जब आप प्रार्थना करते हो तब देखता है, और वो बोलता है, कह रहा है कि परमेश्वर ने तेरे दान को स्मरण कर लिया है, स्मरण। कह रहा है कि अगर आज, कहता है कि आप इतिहास बनाने वाले लोग हैं, अगर आज आप अपना माइंड चेंज कर रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूं, पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियां बदलने वाला यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। चाल चलन के बदलते ही, कह रहा है संसार की तरह सदृश्य, कह रहा है संसार के जैसे ना बनो, कहता है अपने, कह रहा है चाल चलन को सुधारो, कहता है जैसे ही आप अपने चाल चलन को सुधारते हैं, बाइबल बोलती है, कह रहा है कि एक नया फ्यूचर आज रात खड़ा होने वाला आपका यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आज रात आपकी नई तरक्की होने वाली यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आज आप वो बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं, पवित्र आत्मा आज आपको वो बनाने के लिए जा रहा है। बोलो हालेलुया। या औरत का 10 सिक्के में से, कहते एक सिक्का गुमा, लेकिन वो बेचैन क्यों हो गई उस एक सिक्के के लिए, क्योंकि कह रही है, वो यही बात तो बता रही है बार बार, कह रही मेरे 10 सिक्कों में से एक सिक्का जो मेरी संगति का है वो गुम हो गया है। कहती कि मैं, अरे मेरे वो लोग बोलते हैं तू पहला सिक्का ले ले, दूसरा ले ले, तीसरा ले ले, चौथा ले ले, पांचवा ले ले, लेकिन वो औरत जानती है, कह रही ये सिक्का मेरे पास नहीं था, मैं डिप्रेशन में थी, मैं कैंसर में थी, मैं बीमारी में थी, मैं प्रॉब्लम्स में थी, लेकिन लोग बोलते हैं अरे तेरे पास बहुत सिक्के होंगे, अरे दया का सिक्का, अरे विश्वास का सिक्का, नम्रता का सिक्का। बोलती है करे सारे सिक्के तो है मेरे पास, करी लेकिन करी ये सिक्के भी मेरे से जा सकते हैं। अगर आपके पास संगति का सिक्का नहीं है, अगर आपकी एक संगति नहीं है, बाइबल बोलती है करे जो जो इब्रानियों की किताब में लिखा, करे जो जो तुम बुरे दिन आते देखो, जो जो तुम समय के नजदीक आते देखो, त्यों त्यों ज्यादा इकट्ठे हुआ करो, ज्यादा संगति किया करो। कहता है पवित्र आत्मा, कहता है कि ज्यादा संगति किया करो, उसी समय क्या होने वाला है, कहता है उसी समय परमेश्वर का कलाम खुलने वाला उन लोगों के ऊपर, कहता जो संगति में टाइम बिताते हैं। ये औरत जानती थी कि अगर मेरी संगति छूट गई, कहती कि मेरी अंदर से दया भी जा सकती है, एक रात मेरा विश्वास भी जा सकता है। करा ये संगति नहीं सिखाया मुझे दया करना, ये संगति ने, यीशु की संगति ने सिखाया मुझे प्रार्थना करना, ये यीशु की संगति में जब मैं आती हूँ, इसी ने मुझे सिखाया दान देना, इसी ने सिखाया मुझे को कि दूसरों के लिए, कहते कि समर्पण करना। पवित्र आत्मा बोलता है, करा अगर ये संगति आपके पास है, आज आपके बच्चों का फ्यूचर बदलने वाला यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा बोल रहा, कहता चाल चलन बदल डालो। लेकिन यहां पर कुरनेलियुस इटालियन है, अन्य जाति का आदमी है, लेकिन इसके पास क्या हो रहा है, ये नियमित रूप से, बाइबल बोलती प्रार्थनाएं करता है, नियमित रूप से ये प्रार्थनाएं करता है, बाइबल पढ़ता है, ये बड़े काम करता होगा, दान देता होगा, लेकिन यहां पर इसके पास अब तक पवित्र आत्मा नहीं आया है, अब तक नहीं आया है। लेकिन एक रात जब ये बेचैन हो रहा है, तो परमेश्वर ने इसको कहा, स्वर्गदूत को भेजा, बोलता है इसको बोल, कहता आज रात पत्रस तेरे पास आने वाला है। कहता क्यों आने वाला है, कहता परमेश्वर ने तेरे दानों को स्मरण कर लिया है। याद रखना, बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि मेरे को दान डालना या किसी का भला करना या चर्च आना या बाइबल पढ़ना या प्रार्थना करना, शायद परमेश्वर नोट नहीं करता। मैं आपको बताता हूं, परमेश्वर नोट करता है। ये औरत आप देख रहे हो, ये मां, ये आज से 7 साल 8 साल पहले जब मैं हरियाणा में चर्च लगाता था, तो उस समय ये प्रार्थना करना भी जानती है परमेश्वर से, लेकिन सच्चाई को नहीं जानती। ये औरत, ये मां प्रार्थना करना जानती है, ये कोई किताब भी पढ़ती होगी, धर्मशास्त्र पुस्तकें भी पढ़ती होगी, ये सारे काम करती थी, हर जगह जैसा नाम मिला वैसा चले गए, नाम धाम भी इसको मिला हुआ था, सब कुछ चीज मिला हुआ, लेकिन परमेश्वर का सही रास्ता, सही ज्ञान इसके पास नहीं था। जब मैं एक जगह प्रचार कर रहा था, तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि बेटे अपने चर्च के अंदर बोल। मैं भविष्यवाणी किया कि तुम्हें 7 दिन के अंदर इस चर्च में से एक औरत आपको मिलने वाली है, और वो बूढ़ी औरत है, और मैंने उसको देखा है कि उसके गंदे कपड़े हैं और वो अंधी है, और 8 दिन से उसने कुछ खाया नहीं है। अगर कोई ऐसा मिले और ये बात बोले, करनाल के अंदर की बात है, कोई ऐसा बोले
तो पवित्र आत्मा की गवाही होगी पूरी। और याद रखना, किसी को मिले तो मेरे ही चर्च का विश्वासी एक दिन जब वापिस आ रहा था, सड़क पार कर रही थी, लेकिन इसको कोई इसकी मदद नहीं कर रहा था, तो उस समय एक औरत इसको मिली, बोलती कि मैं सड़क पार कराती हूँ, लेकिन आप कहाँ जा रहे हो? कहती कहीं सत्संग में जा रही हूँ, पर मुझे पता ही नहीं आज सत्संग वाले भी मुझे छोड़कर चले गए, कोई मेरे साथ नहीं जा रहा। इसने बोला, उस विश्वासी ने बोला, उसको याद आया प्रोफेसी, उसने कहा चलो आप हमारे साथ चलो, मेरी बात समझ रहे हो, आप हमारे साथ चलो। मेरे याद आया कि यीशु के घर में चलते हैं, और यीशु के घर में जब ये आई तो उस समय इसने बताया, कहती लोग बोलते तो हैं कि प्रेम प्रेम, लेकिन उनके अंदर प्रेम नहीं है। लोग बोलते तो हैं, कहती मैंने 8 दिन से खाना नहीं खाया, और किसी पड़ोसी ने मुझे पूछा नहीं 8 दिन से खाना खाने के लिए, और ये बात पवित्र आत्मा ने मुझे बताई, और परमेश्वर ने मुझे कहा इसको अपनी मां बना, आज से रोटियां, इसका कपड़ा, इसका लत्ता, सारा काम तू करेगा इसका। बोलो हालेलुया, हालेलुया। और उस दिन आपको बता रहा हूं कि मैं अनमैरिड था और मेरे पास कुछ नहीं था, मैं घर से बाहर रहता था, लेकिन यहां पर वचन क्या बोलता है, करे संसार के जैसे ना बनो, अरे करे तुम्हारे मन के नए हो जाने से, क्या लिखा, करे तुम्हारे मन के नए हो जाने से, करे फर्क नहीं पड़ता परमेश्वर को, वो कुर्सी पे से उठने वाला नहीं है। आपको जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स हो, आप जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स में हो, आपका दुख कितना बड़ा हो, लेकिन परमेश्वर कुर्सी से उठने वाला बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आपके अंदर, कहते हैं कि ये संगति है, कहते हैं और संगति में ये बातें आपके अंदर 10 के 10 सिक्के आपके अंदर है, तो पवित्र आत्मा आज ही रात कुर्सी से खड़े होने वाला आपकी मदद करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आज कोई भी डिसीजन आपका गलत नहीं होने वाला। जो लोग कहते हैं परमेश्वर की चाल पर नहीं चलते, उनके डिसीजन उनके बिजनेस फॉलोअप रहते हैं, वो कभी सही डिसीजन ले सकते। उनके डिसीजन होते तो हैं, लेकिन वो फ्लोप हो जाते हैं। लेकिन ये मां उस दिन से इसने यीशु मसीह को पहन लिया, अपना चाल चलन यीशु मसीह को दे दिया। आज बता